यम पम हमारे हालात थे, उन्होंने खेड़िया ही नहीं गया। मैं लाहौर कलंदर की सपोर्टर हूँ, ठीक है, इस दफ़ा हर जगह से जो है वो शोर उठ रहा है कि अल्लाह का वास्ते तुम जित जाओ। सेमिनी क्वाइट कंसाइज थी, पहले इन्होंने कहा था हम नहीं करेंगे, फिर उन्होंने कहा अच्छा फिर थोड़ा बहुत कर लेने हैं, ऊपर से पैरा ट्रूपर्स और यू नो वो सारे स्टैंड्स वगैरह हुए, फिर आतिशबाजी बड़ी खूबसूरत हुई और आतिफ और आयमा का गाना भी जो था, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ माई लाइफ कि मैंने PSL की कोई एक ऐसी देखी सेमिनी जिसके अंदर लिपसिंक जो है ना सिंकिंग ठीक हुई थी, या तो मुझे नज़र नहीं आ रहा था, ये सिंकिंग वाकई अच्छी हुई थी। मेरे ख्याल से अपने क्रिटिसिज्म को थोड़ा सा टोन डाउन करें, इन्नी मुश्किल ना लो गाना बना देने ताटे वास्ते, ठीक है, और मतलब इस दफ़ा के जो कंपोजर हैं He's a youngster, he's like 21 or 22 जो अब्दुल्ला है, थोड़ा अप्रिशिएट करना सीखे। जिस मुल्क में म्यूजिक बन ही नहीं रहा है वहां पे अगर इतना भी बन जाता है तो शुक्र अदा करें। इस दफा हमारी PSL इस लिहाज से बहुत स्पेशल है बिकॉज वी हैव प्लेयर ऑफ द ईयर जो कि क्या नाम लेते हैं शाहीन है, प्लेयर ODI के जो हैं और T20 के ऑफ द ईयर जो हैं वो रिजवान और बाबर थे, तो हमें था कि हाँ जी आज क्लैश होना है कराची का और मुल्तान का, मुल्तान डिफेंडिंग चैम्पियन है, तो हमने कहा जी क्लैश होगा बाबर और रिजवान का, बड़ी जान लगाएंगे ये वो, और एंड में वो सिर्फ और सिर्फ कड़मस ठस कम्प्लीट बिकॉज कराची वॉज अनएबल टू प्ले, उन्होंने खेड़िया ही नहीं गया। मतलब बाबर आजम जो है वो एंकरिंग के पोजीशन पे थे, ये भी एक बहुत बड़ी डिबेट है कि वो एंकर ही करते रह जाते पावर प्ले में और गेम उथे थी उथे रह जाती है, लेकिन जो शर्जील खान थे वो दूसरे साइड पर वो अपना पूरी बॉडी का वेट उठा के छक्के चौके बहुत अच्छे मारते थे, लेकिन वो हिलते नहीं अपनी जगह से, हिलने का उनका कॉन्सेप्ट नहीं है, जो सिंगला डबला सीना वो उन्होंने कहा कि ये मैं नहीं करूँगा बाकी मुझसे जो कराने। एंड मुल्तान सुल्तान अगेन वॉज वेरी क्लिनिकल इन टर्म्स ऑफ कि रिजवान ने बहुत क्लेवरली जो है वो बॉलर्स को भी इस्तेमाल किया और रिजवान ने खुद भी 50 स्कोर की, तो उनका जो वो मोमेंटम है ना वो चले जा रहा है। मुल्तान सुल्तान से मुझे याद आया कि किट्स पे भी बड़ी डिस्कशन हुई है इस दफ़ा कि ये किट बड़ी ज़बरदस्त थी वो किट बड़ी ज़बरदस्त थी, तो इस दफ़ा अजीब सी बात है कि ट्रेनिंग किट्स पे बड़ी सख्त मेहनत की गई है और ट्रेनिंग किट्स कमाल खूबसूरत बनी है, लेकिन जो एक्चुअल प्लेइंग किट्स है ना उसके अंदर कोई ख़ास हाल नहीं है। जहाँ तक लाहौर कलंदर की बात आ जाती है तो वो टीम नहीं, वो एक सूबा, वो एक आइलैंड अलहदा ही बन चुका हुआ है, उनकी मर्जी होती है वो सही किट बनाएंगे, उनकी मर्जी होगी वो कलर चेंज कर लेंगे, उनकी मर्जी होगी वो खेलेंगे, उनकी मर्जी होगी वो हारेंगे, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। और मैं लाहौर कलंदर की सपोर्टर हूँ, ठीक है, इस दफ़ा हर जगह से जो है वो शोर उठ रहा है कि अल्लाह का वास्ते तुम जित जाओ, ठीक है, पीपल आर एक्चुअली बेगिंग देम कि यार आप जीत के दिखाएं, देखें जैसे आपको क्या फील होता है, तो पता नहीं लाहौर कलंदर क्या करने वाला है। एक चेंज जो एक मैसिव है जिसकी वजह से मेरे ख्याल से लाहौर कलंदर को ज़्यादा गालियाँ नहीं पड़ेंगे, वो ये फैक्ट है कि शाहीन शाह आफरीदी हमारे कैप्टन हैं। मैं इस डिसीजन के हक में बिल्कुल नहीं थी, उस बच्चे को मतलब पहले जो दूसरे कैप्टन थे उनको हम फिर भी बहुत सारा बुरा भला कह देते, शाहीन को कौन बुरा भला कह सकता, उसे तो कोई नहीं कर सकता, तो उसकी इज्जत की खातिर अगर लाहौर कलंदर इस दफ़ा जीत जाए तो क्या बात है। कंसिडरिंग कि जी नेक्स्ट जो प्लेयर्स अमर्जिंग प्लेयर्स हैं या अमर्जिंग प्लेयर्स या प्लेयर्स वो जिस पे आप लोगों ने अपनी नज़र रखनी है कि ये क्या करेगा टूर्नामेंट के अंदर, उसके अंदर सबसे पहले नाम है मुबस्सिर खान का जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के हैं और ये ऑलराउंडर हैं, ऑफ स्पिन हैं और जो कायद अजम ट्रॉफी जो थी उसके प्लेयर ऑफ द सीज़न थे। दूसरा नाम जिसके बारे में हबड़ दबड़ मची हुई थी वो है हुरैरा का, हुरैरा हैज़ बीन द यंगस्ट प्लेयर जिन्होंने 300 रन्स बनाए हैं फॉर FC इनिंग्स फॉर पाकिस्तान, ठीक है। एक नाम आ रहा है फैसल अकरम के नाम से जो कि कराची किंग्स का पार्ट हैं और उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो मिस्ट्री स्पिनर है। इसके अलावा अतर महमूद जो हैं वो भी इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो है वो इस दफ़ा अमर्जिंग प्लेयर हैं जिन पर नज़र रखनी बहुत ज़रूरी है बिकॉज ही वॉज द मोस्ट आउटस्टैंडिंग बॉलर ऑफ द करंट सीजन जो अभी डोमेस्टिक हमारा चला है। लेट्स वेट फॉर अदर मैचेस और देखते हैं कि टीम्स कैसे कैसे आती है। आप मुझे दोबारा से देखेंगे एक हफ्ते बाद या पता नहीं थोड़े दिनों बाद, डिपेंड्स ऑन वट एवर द सिचुएशन इज। थैंक यू फॉर वॉचिंग और अगर आपको ये नाम दोबारा से देखने हो ना कि कौन से इमर्जिंग है तो ये एपिसोड दोबारा देख लेना, फिर नाम नोट कर लेना कि हाँ जी कौन से थे। एनीवे थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।